हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। तो फ्रेंड्स, इग्नू बीएड के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी हमने आज से एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आप सभी के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ट्रांस लैंग्वेजिंग। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। कभी ऐसे आया एक्सप्लेन द टर्म ट्रांस लैंग्वेजिंग, कभी ये आया व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रांस लैंग्वेजिंग, और एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे आप इसको क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। आज हम इस वीडियो में ट्रांस लैंग्वेजिंग के बारे में, इसके बेनिफिट्स और कैसे इसे क्लासरूम में यूज़ किया जाता है, ये सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, इट कैन रेफर टू अ पेडागॉजिकल प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग मोर देन वन लैंग्वेज विद इन अ क्लासरूम लेसन, और इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द वे बायलिंगुअल्स यूज देयर लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज टू मेक सेंस ऑफ एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। देखिए, ये टर्म थोड़ी सी टेक्निकल है। अगर हम आपको सिंपल वे में बताएं कि ट्रांस लैंग्वेजिंग होता क्या है, जब हम बोलते बोलते दो या मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं अपने सेंटेंस में, तो हम इसे ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। जैसे कि आज मुझे घर जाकर अपना होमवर्क करना है, तो होमवर्क जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है और जबकि बाकी पूरा सेंटेंस हिंदी में है, तो ये जो सेंटेंस है वो ट्रांस लैंग्वेजिंग का एग्जाम्पल है। अब इस लाइनों में आपको क्या क्या कहा गया है वो देखते हैं। देखिए, एक पैडागॉजिकल प्रोसेस है ट्रांस लैंग्वेजिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा लैंग्वेज को यूटिलाइज किया जाता है, यानी उनका उपयोग किया जाता है क्लासरूम लेसन में। और इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये यूज़ किए जाते हैं टू डिस्क्राइब द वे बायलिंगुअल्स, जो बायलिंगुअल्स होते हैं यानी एक से ज़्यादा जो दो लैंग्वेज बोलते हैं, वो कैसे मतलब क्लास में अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनको मतलब मेक सेंस होती है उस लैंग्वेज की, और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास के वर्ल्ड से, आसपास के मतलब क्या है कि उन लोगों से जो उनके आसपास है। तो ये जो ट्रांस लैंग्वेजिंग जो टर्म है वो CEN विलियम्स लेकर आए थे 1980 में। ये इन्वॉल्व करता है इशू ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड लैंग्वेज यूज़। तो देखिए, सिंपल टर्म में दोबारा कहा गया है, ट्रांस लैंग्वेज क्या है, स्विचिंग है बिटवीन द लैंग्वेज वन नोन इन ऑर्डर टू मैक्सिमम कम्युनिकेटिव पोटेंशियल। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कीप नैरोली फोकस्ड ऑन अ सिंगल लैंग्वेज, पीपल ट्राई टू यूज़ मोर देन वन लैंग्वेज। जैसे कई बार होता है हम कुछ भी बात बोलना चाहते हैं तो हम एक ही लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं। सपोज मैं जैसे आपको हिंदी में ही बता रही हूँ, लेकिन कुछ शब्द मुझे कई बार हिंदी में याद नहीं आते, तो मैं उसकी जगह इंग्लिश में उनको यूज़ कर लेती हूँ। जैसे मैंने उपयोग की जगह यूज़ बोला, तो ये भी एक ट्रांस लैंग्वेज का एग्जांपल है कि हम नैरो माइंड से एक ही लैंग्वेज पे फोकस ना होकर मोर देन वन लैंग्वेज कभी भी हम अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ कम्युनिकेशन में, किसी भी चीज़ में अगर आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हो कोई टॉपिक, तब भी ऐसे लैंग्वेज का जो स्विचिंग हो रहा है वो हम ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। दिस इज़ समथिंग द मोस्ट पीपल डू। ये देखिए, बहुत सारे लोग करते हैं ऑल द टाइम विद देयर फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। देखिए, अब जैसे हम भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ शब्द इंग्लिश के ज़रूर बीच में आ रहे हैं, या इंग्लिश में बोलते वक्त कुछ ना कुछ शब्द हिंदी के ज़रूर बीच में आते हैं, तो ये बंदा सोचता नहीं है, वो बस अपने फ्लो में बोलता रहता है। तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। दिस में इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व करता है, फर्स्ट मोबिलाइज करता है मल्टीपल लैंग्वेजेस टू प्रोसेस कंटेंट। मोबिलाइज का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज करता है काफ़ी सारी चीज़ों को, तो यहाँ पर मोबिलाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को अपने ही कंटेंट को प्रोसेस करने के लिए। सेकंड जो है वो कम्युनिकेट करता है यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस इन द सेम सेंटेंसेस। देखिए, हेल्प कर रहा है हमारी कम्युनिकेशन में बाय यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज, यानी कि मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम काफ़ी सारे वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस के कम्युनिकेट करने में। कंपेयर करते हैं और प्लेफुली हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को प्लेफुली अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। मिक्स करते हैं काफ़ी सारे वर्ड्स को, एक्सप्रेशन को अलग अलग लैंग्वेजेस से एक ही सेम स्पोकन या फिर रिटन अटरेंसेज यानी स्टेटमेंट्स में। हम यूज़ करते हैं होम लैंग्वेज को एक पार्ट की एक्टिविटी के एक पार्ट में, और जबकि जो स्कूल लैंग्वेज है या फिर कोई भी दूसरी लैंग्वेज है हमारे दूसरे पार्ट में। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूजिंग मतलब यूज़ ऑफ मल्टी लैंग्वेज और प्रोसेस ऑफ ट्रांस लैंग्वेजिंग। ट्रांसलेट करता है बिटवीन लैंग्वेजेस, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशनल बेनिफिट्स क्या हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग के। तो देखिए, सपोर्ट्स करता है स्टूडेंट्स को टू बी बायलिंगुअल।
एक ही लैंग्वेज में फोकस ना होकर मोर देन वन लैंग्वेज को यूज़ करने को ये सपोर्ट करता है, इंक्रीज करता है स्टूडेंट की कॉम्प्रीहेंडिंग, मतलब कॉम्प्रीहेंशन उसकी इंक्रीज़ करता है, यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल वो बढ़ा देता है, एम्पावर करता है स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने में। देखिए कई बार हम खुद हेजिटेट करते हैं, सपोज इंग्लिश में इंटरव्यू है या हिंदी में, प्योर हिंदी में अगर आपको कुछ बोलना पड़े तो देखिए बहुत बार हेजिटेशन होती ही है, ये ऑब्वियस है। तो इसीलिए अगर हम ट्रांस लैंग्वेजिंग वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये कंपल्सन ना हो, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें एम्पावर किया जाएगा, खुद को ही हम मतलब मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी जगह किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने को। नेक्स्ट क्या है, एंकरेज करता है स्टूडेंट्स को टू कोलैबोरेट यूजिंग देयर होम लैंग्वेज। जरूरी नहीं है एक ही लैंग्वेज पर फोकस करना है, जो भी स्कूल की लैंग्वेज है तो बच्चा कुछ भी बोलते वक्त अपनी होम लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। वैल्यू करता है मल्टीलिंगुअलिज्म को और उसे व्यू करता है एज ए वैल्यूएबल एसेट्स रादर देन ए प्रॉब्लम। कई बार हम देखते हैं कि भाई कई जगह कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि टीचर मल्टी लैंग्वेज यूज़ करने वाले बच्चों को, मतलब एक ही क्लास में डाइवर्सिटी जो होती है, अलग अलग बच्चा अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो उसको एज ए प्रॉब्लम देखता है, जबकि उसे एज अ प्रॉब्लम नहीं देखने की बजाय एज एन एसेट देखना चाहिए। नेक्स्ट है, रिप्रेजेंट करता है एक मोर एफिशिएंट और एक मोर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो टीचर भी अगर अलग अलग लैंग्वेज के बच्चों को अपनी क्लास में इन्वॉल्व कर रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो जिससे जो टीचिंग है वो बहुत ही एफिशिएंट इफेक्टिव हो जाती है और लर्निंग जो टेक्निक्स हैं वो एक लैंग्वेज से बहुत सारी मतलब ज़्यादा लैंग्वेजेस में हो जाती हैं। ऑफर करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स टू डेवलप रिच एंड वेरिड कम्युनिकेटिव रेपर्टॉयर्स, यानी कि कलेक्शन फॉर यूज़ विद इन एंड आउटसाइड स्कूल। देखिए जब अगर एक बच्चा हिंदी बोल रहा है, एक इंग्लिश बोल रहा है, एक पंजाबी बोल रहा है, तो बाकी सारे बच्चे अगर आपस में जब मतलब ये जो बातचीत करेंगे तो हिंदी वाला दूसरे से इंग्लिश सीख सकता है, इंग्लिश वाला पंजाबी सीख सकता है और पंजाबी वाला हिंदी सीख सकता है। तो ये अपने स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं और आउटसाइड स्कूल भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को और भी डेवलप करने के लिए। डिस्प्ले करता है देम होम लैंग्वेज अलॉन्ग साइड इंग्लिश विच मेक्स देम फील कॉन्फिडेंट सो दैट दे कैन शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इजली। हमने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर होम लैंग्वेज में बच्चे को मतलब बोलने का मौका दिया जाए तो काफ़ी कॉन्फिडेंट वो फील करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करने में। स्टूडेंट्स विल हैव इनॉर्मस एक्सपोजर टू मल्टीपल लैंग्वेज एट द सेम टाइम। तो स्टूडेंट्स को भी ये बेनिफिट हो रहा है कि एक लार्ज कलेक्शन ऑफ मतलब एक्सपोजर मिल रहा है एक से ज़्यादा लैंग्वेज में एक ही टाइम में। दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक देयर ओन रूल्स विच विल हेल्प देम टू शार्पन देयर स्किल्स एंड ऑफ ऑब्जर्विंग डिड्यूसिंग एंड रीजनिंग। देखिए होता क्या है, अगर बच्चे को मौका दिया जा रहा है कोई भी लैंग्वेज यूज़ करने का, या कई बार उसको ग्रामर में भी हम कुछ सिखाते हैं, तो वो वहाँ पर अपने ही रूल्स बनाने लग जाते हैं और उनको ही यूज़ करने इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं, जिससे उनकी जो स्किल्स हैं वो ऑब्जर्विंग स्किल्स हैं या रीजनिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। जो लास्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट विल इंक्रीज बाय शेयरिंग डेटा इन द मदर टंग। दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, हाउ लैंग्वेज ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है वो क्लासरूम में यूज़ होती है। देखिए कैसे हम क्लासरूम में ट्रांस लैंग्वेजिंग को यूज़ कर सकते हैं, तो पहला पॉइंट है बाय इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू रीड और व्यू होम लैंग्वेज एज अ रिसोर्स। तो देखिए हम स्टूडेंट्स को मौका दें कि वो अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में, अपनी होम लैंग्वेज में आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, अपनी बात कहें, तो इससे स्टूडेंट्स को एक इन्विटेशन मिलेगा और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नेक्स्ट है बाय आस्किंग फैमिलीज। देखिए हम पेरेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो बच्चों को उनकी होम लैंग्वेज में जब स्टोरी सुनाएंगे या कोई बात बताएंगे तो वो ऑरली जो प्रैक्टिस है उसकी आकर क्लासरूम में कर सकते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो रहा है। नेक्स्ट जो है, टीचर कैन आस्क स्टूडेंट्स टू राइट स्टोरीज विद बायलिंगुअल कैरेक्टर्स हु यूज़ बोथ ऑफ देयर लैंग्वेजेस। तो टीचर कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी स्कूल में करा सकता है। नेक्स्ट क्या है, बाय डिस्प्लेइंग होम लैंग्वेजेस अलॉन्ग साइड इंग्लिश ऑन द ब्लैक बोर्ड। कभी ऐसा हम कर सकते हैं कि टीचर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ऑरली उनको बता रहा हो और उनका ही जो उनकी मदर टंग है या फिर जो दूसरी लैंग्वेज है उसको अगर वो बोर्ड पर लिख देगा तो ये भी एक ट्रांस लैंग्वेजिंग का प्रोसेस है और इस तरह से हम क्लासरूम में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट यूजिंग देयर होम लैंग्वेज। ये टॉपिक हमने पॉइंट हमने उसमें भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल होम लैंग्वेज रिसोर्सेज टू सपोर्ट देयर वर्क। हम काफ़ी सारे होम लैंग्वेज रिसोर्सेज को मतलब उनको प्रोवाइड करके हम उनके आपस में मतलब काम को है जो सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे एक रिच एनवायरनमेंट क्लासरूम में बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा और वो ट्रांस लैंग्वेजिंग को यूज़ कर सकते हैं। शी कैन प्लेस दैम इन अ सेम लैंग्वेज या होम ग्रुप्स टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स यूजिंग देयर होम लैंग्वेज इंग्लिश और बोथ। देखिए हम काफ़ी सारे ग्रुप भी बना सकते हैं, मतलब एक लैंग्वेज बोलने वाले एक ग्रुप में या होम लैंग्वेज बोलने वाले इस ग्रुप में, तो इस टाइप से वो अपनी प्रॉब्लम जो है अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे और ट्रांस लैंग्वेज प्रोसेस जो है क्लासरूम में यूज़ होगा। नेक्स्ट है बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू शेयर द नेम ऑफ फिगर ड्रॉन ऑन ब्लैक बोर्ड, बी बी मीन्स ब्लैक बोर्ड, इन देयर होम लैंग्वेज।
कोई भी पिक्चर हम देखिए क्लास में ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चों से कह सकते हैं कि आप इसे बताइए कि अपनी होम लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है लेबल कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने क्लासरूम में बनाया हो उनको मल्टीपल लैंग्वेज में, जैसे कि एक टेबल की बात हो, अगर हिंदी में मेज बोला जाता है, इंग्लिश में अ टेबल बोला जाता है, स्पैनिश में यू एन ए मेसा बोला जाता है और फ्रेंच में यू एन ई टेबल बोला जाता है। तो एक ही टर्म को, एक ही वर्ड को कैसे अलग अलग लैंग्वेज में डिफाइन किया जाता है, बोला जाता है, ये भी हम क्लासरूम में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क देम इन पेयर्स, वेयर वन स्टूडेंट सेज द वर्ड इन हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज में, और द अदर्स इन देयर होम लैंग्वेज। सो इस तरह की एक्टिविटी भी क्लास में कराई जा सकती है, पेयर्स बना दिए जाएं और बच्चों को कहें कि बच्चा एक जो इंग्लिश में बोलेगा तो दूसरा उसको अपनी होम लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, या फिर जो हिंदी में बोलेगा तो उसको होम लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, या फिर होम लैंग्वेज में बोलेगा तो हिंदी में कन्वर्ट करेगा, कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट है बाई गिविंग देम द आंसर्स इन देयर होम लैंग्वेज, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उन्हीं की लैंग्वेज में उनको बताया जाए या उसको सही तरीके से अपनी मातृभाषा में बताया जाए, जैसे उनको भी समझ आए और बच्चे को इंटरेस्ट भी आने लगे। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, बी अ कोलर्नर, लर्न कीवर्ड्स इन योर स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। हमने ऊपर भी बात की थी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी किसी भी एज में सीख सकता है, तो बच्चों को सिखाते सिखाते उनके साथ सीखने लगिए, उनके कोलर्नर बनिए, उन्हीं की मातृभाषा की कुछ लैंग्वेज, नेटिव जो लैंग्वेज है उनके जो कुछ शब्द हैं वो आप खुद भी याद कर सकते हैं, ताकि बच्चों को भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगे और वो भी मतलब क्लास थोड़ी दिलचस्प बन जाएगी अगर आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी क्लासरूम में कराएंगे तो। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में हमसे चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।